नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं सोबित बिजनेस वाला, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर बार आप लोगों के लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियो लाया करता हूं। तो दोस्तों, हर बार की तरीके से इस बार भी मैं एक अच्छी सी नई वीडियो लाया हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको राफेल पान मसाले के बारे में। क्या? राफेल पान मसाले के बारे में, जी हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, राफेल पान मसाले का पैकेट आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, राफेल पान मसाले का पैकेट मेरे हाथ में है। और दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि इस पैकेट में कितने पाउच हैं। दोस्तों, इसके अंदर 85 पाउच हैं। कितने? 85 पाउच हैं। और दोस्तों, अब इसके बारे में हम ये बताएंगे कि कंपनी के प्रोडक्ट पहचान प्रोडक्ट की कंपनी से होती है। तो दोस्तों, ये AMP पान प्रोडक्ट की तरफ से बनाया जाता है और दोस्तों, ये मोहनलाल लखनऊ से बन के आता है। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश का ही है, हमारे लखनऊ का, जी आप लोग जानते ही होंगे। और दोस्तों, इस आज से 2-4 साल पहले पान मसाला आता था दबंग, ये दबंग का ही प्रोडक्ट है, ये दबंग वालों ने ही इसे राफेल बनाया है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि इसमें क्या प्रॉफिट होता है, क्या होता है, क्या कैसे होता है वो। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, राफेल पान मसाले का पैकेट, ठीक। तो दोस्तों, इसके अंदर 85 पाउच होते हैं, 85 पाउच। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप दुकान पे जाते हैं, कहते भाई 10 की 5 राफेल दे देना, 2 रुपये की एक राफेल पान मसाला इस टाइम चल रहा है। तो 85 × 170, कितने? 170 रुपये की तैयारी हुई। लेकिन जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो मार्केट में जाकर व्यापारियों की दुकान से लेते हैं या सेल्समैन से लेते हैं, तो ये पैकेट उनको होलसेल्स में कितने का पड़ता है? तो दोस्तों, ये पैकेट उन्हें होलसेल्स में 140 रुपये का पड़ता है। कितने का? 140 रुपये में, ये थोक मूल्य में ये पड़ता है, जी हाँ। लेकिन दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं हमारे पास ज़्यादा बिक्री है, हमें ज़्यादा लाना चाहिए। दोस्तों, इसका 140 रुपये खुला रेट है। कितना? 140 रुपये खुला रेट है। दुकानदार को इसमें 30 रुपये मिलते हैं। कितने? 30 रुपये इसको मुनाफा दुकानदार को मिलता है। 140 रुपये इसका खुला रेट है। आप कहीं भी जाएं मार्केट में, 140 रुपये का राफेल आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, बहुत लोग कहेंगे 138 का मिलता है। दोस्तों, ये भी बात सही है। क्यों? दोस्तों, मैं बता दूं, जब बिक्री डाउन होती है तो बहुत लोग इसको 140 की जगह 138 में दे देते हैं, ताकि सेल बरकरार रहे। और दोस्तों, ये तो मैंने बिक्री डाउन की बात बता दी, मैं मेन बात बताना ही भूल गया। दोस्तों, अगर आप एक पैकेट लेते हैं या दो पैकेट लेते हैं तो आपको ये 140 में दिया जाता है। अगर आप 5 से 6 पैकेट ले लेते हैं तो आपको ये 138 में दिया जाता है, 138 में। दोस्तों, आप पूछेंगे आप कि ये थैली में कितने का पड़ता है, ये बोरे या थैली जो भी आता है उसमें ये थोक में कितने का पड़ता है। तो दोस्तों, मैं अपने दर्शकों को ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताना चाहूँगा, मैं सीधे बताऊँगा, ये 135 रुपये का पैकेट ये थैली में पड़ता है। जी हाँ, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितने हैं कितने, सीधे मैं बताता हूँ कि 135 रुपये में ये थैली या बोरे में जो भी ये पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम सुनेंगे, 2 रुपये की एक फुटकर में, तो ये होगा 170 रुपये का पैकेट, 85 रुपये की 85 पाउच की ये पैकेट है, 85 पाउच का पैकेट है और 2 रुपये की एक, तो ये पड़ा जाके 170 रुपये का। और जब होलसेल में लिया तो 140 का पैकेट पड़ा, तो दुकानदार को उसमें 30 रुपये मुनाफा मिला। 5-6 पैकेट ले लिए तो 138 में पड़ा, और अगर पूरी थैली ले ली तो हमें ये पड़ा 135 रुपये में, ये थोक मूल्य में। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपको अगले किसी ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार और खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।